Good morning, students. Today we are going to start a new unit, that is unit second. Okay, so unit second, मैं जो आपको सबसे पहला टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, that is contingent contract. Okay, see, जैसा कि मुझे पता है कि चूंकि आप लोगों के एग्जाम्स प्रपोज्ड हैं अभी 10 to 15 days में, सो दैट्स वाई अब मैं आपके स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स ही कवर किया करूँगी, सो दैट आपको अपने उन एग्जाम्स के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ना हो. ओके ओके, सो वी आर मूविंग ऑन द टॉपिक. इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली टू पॉइंट्स. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकेंड इज एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. मीनिंग, सी, मीनिंग में सबसे पहले आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है. अब अगर आप इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में भी रीड कर सकते हैं. एक होते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है, इज वन वेयर द प्रोमिसर परफॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंडीशन. इट मीन्स जो आपने यूनिट फर्स्ट में जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े, जो कुछ भी पढ़ा, उसमें मैक्सिमम हमने सब कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में पढ़ा था, जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं था. जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी ये लैंड 5 lakh rupees में सेल कर दूंगा, तो इट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आर द वंस वेयर द प्रोमिसर परफॉर्म्स हिज ऑब्लिगेशन ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो मेन फीचर है वो क्या है कि वो किस पर डिपेंड है, कंडीशंस पर डिपेंड है, किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड है. ठीक है, जैसे सेक्शन 31 में भी जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए, इफ टू और मोर पार्टीज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट डू समथिंग, इफ एन इवेंट व्हिच इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, देन इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा पार्टीज किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं जो कि कोलैटरल इवेंट को इजी लैंग्वेज में कहते हैं, जो कि कंडीशनल इवेंट पे डिपेंडेंट है, तो इन दैट केस वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंटिंजेंट होता है. ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होता है. इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे ये एक एग्जांपल है जिसमें मिस्टर पी एक प्राइवेट इंश्योरर है, मतलब मिस्टर पी कौन है, एक इंश्योरर है जो कि जे के साथ में एक इंश्योरेंस में एंटर हुए हैं. ठीक है, P is a private insurer and enters into a contract with Mr. J for fire insurance of J's house. मतलब J ने P से अपना एक फायर इंश्योरेंस करवाया है और उसमें P ने क्या एग्री किया है कि वो J को 5 lakh rupees का अमाउंट अगर उसका घर बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो एनुअल प्रीमियम ऑफ रुपीज 5000 के अगेंस्ट में देगा. सो सी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. क्या हुआ, इसमें दो पार्टीज थी, पी और जे, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर हुए हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब होगा, जब कि वो इवेंट होगा, और इवेंट क्या है, घर में आग लगना. अगर घर में आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर जे को अमाउंट पे करेगी, अगर कभी घर में आग नहीं लगी तो वो अमाउंट पे नहीं करेगी. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
कंटेजन कॉन्ट्रैक्ट, हेयर द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नीदर अ परफॉर्मेंस प्रोमिस्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर अ कंसिडरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि कंटेजन कॉन्ट्रैक्ट में जो मेन इवेंट है ना, वो इवेंट परफॉर्मेंस का पार्ट नहीं होना चाहिए और ना ही कंसिडरेशन का पार्ट होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर इवेंट क्या है, घर में आग लगना, तो घर में कोई जानबूझकर तो आग लगाएगा नहीं कि उसे फायर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा चाहिए। तो घर में आग लगना उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा, ये उसकी परफॉर्मेंस नहीं है और ना ही कंसिडरेशन है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। सो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हो कि वो कंटिजेंट है, तो वो कब होता है, जब उसमें कोई एक इवेंट हो, कोई एक कंडीशन एप्लीकेबल हो कि अगर ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन नहीं होगी तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। नाउ सो विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट। कोई एक इवेंट, कोई एक कंडीशन या तो हैपनिंग होगी या फिर नॉट हैपनिंग होगी, इस पे डिपेंड करता है। जैसे पी प्रोमिसेस टू पे जे रुपीज 5,000 इफ द राजधानी एक्सप्रेस रीचेज दिल्ली ऑन टाइम। पी ने जे को क्या प्रॉमिस किया कि अगर ट्रेन टाइम से दिल्ली पहुंच गई तो मैं आपको दूंगा। तो कंडीशन क्या है, ट्रेन का टाइम से पहुंचना, तो कंडीशन है, तो दैट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, द इवेंट इज कॉलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स अभी जैसे मैंने पहले भी समझाया कि वो जो कंडीशन है, जिस कंडीशन के होने या ना होने पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंडीशन ना तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होनी चाहिए और ना ही कंसीडरेशन होनी चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखो, पी और जे के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि पी एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट विद जे एंड प्रॉमिस टू डिलीवर 5 टेलीविजन सेट टू हिम। कि पी ने जे को ये कहा है कि मैं आपको 5 टेलीविजन्स दूंगा जिसके बदले में आप मुझे 75,000 रुपये दे दोगे। तो दिस इज नॉट अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में यही तो होता है कि एक पर्सन कुछ दे रहा होता है, दूसरे को उसके बदले में क्या मिल रहा होता है, कंसिडरेशन मिल रहा होता है। यहाँ पर कोई कंडीशन तो है ही नहीं, ओके। तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ नेक्स्ट देखो, पी ने जे को क्या प्रॉमिस किया है कि जो 5 टेलीविजन सेट्स हैं वो कब होंगे, व्हेन ब्राजील विंस द फीफा वर्ल्ड कप। ओके, जब ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप जीतेगा, तो यहां कंडीशन क्या है, वर्ल्ड कप का जीतना। अगर ये हुआ तो ये इवेंट हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो दिस इज, नाउ द नेक्स्ट इज, द इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑन द प्रोमिसर। इसका मतलब ये है कि वो जो कंडीशन है, वो कंडीशन प्रोमिसर की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो एक नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पी प्रोमिसेस टू पे जे रुपीज 5,000 इफ अर्जेंटीना विंस द फीफा वर्ल्ड कप प्रोवाइडेड ही वॉन्ट्स टू, ठीक है। पी ने ये कहा कि मैं आपको दूंगा तो सही, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं, तो ये तो फिर पी की इच्छा ही हो गई, तो पी अपनी इच्छा को कंडीशन नहीं बता सकता, ठीक है। पी प्रॉमिस टू पे जे रुपीज 50,000 इफ ही लीव्स मुंबई फॉर दुबई ऑन दिस डेट। दिस इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, गोइंग टू दुबई कैन बी विथ इन जेज विल बट is not merely his will। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो वो contingent contract का जो वो main event है, जिसको मैं easy language में कह रही हूँ कि वो main condition है जो उस contract को contingent बनाती है, वो promisor की
विल यानी कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो बस एक सिंपल सी कंडीशन होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट, द इवेंट शुड बी अनसर्टेन, बट ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पर जिस मेन पॉइंट की बात कर रहे हैं कि वो कंडीशन, वो इवेंट, वो ऑब्वियसली ही एक अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए. मतलब कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन या अगर कोई ऐसा इवेंट एप्लीकेबल किया गया है जिसका होना तय है यानी कि जो सर्टेन है, ओके, तो फिर वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि वो कंडीशन नहीं है. कंडीशन का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब ही ये होता है कि इवेंट कैन बी हैपन एंड कैन नॉट बी हैपन. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, पी प्रोमिस टू पे जे रुपीज 500 इफ इट रेन्स इन मुंबई इन द मंथ ऑफ जुलाई. This is not a contingent contract because in July rains are almost in certainly in Mumbai. आई बात समझ में, कि अगर P और J के बीच में जो contract हुआ वो ये हुआ कि भाई मुंबई में July में अगर rain होगी तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो ये एक obvious सी condition है कि मुंबई जैसी city में July में rain रहती ही है, तो यहाँ तो इस event का होना तय ही है, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, यानी आपको शॉर्ट में बस इतना सा समझना है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, वो भी कैसी कंडीशन, एक अनसर्टेन कंडीशन, कि वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है. ठीक है, और वो कंडीशन, वो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस और कॉन्ट्रैक्ट के कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. ओके, सो दिस इज द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स फीचर्स. आप इसको ध्यान से सुनिए, अगर कोई क्वेरीज होती है तो पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.